चक्रवाती तूफान रेमल का असर भागलपुर में देखने को मिल रहा है। जिले के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं। बदले मौसम ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। मौसम विभाग ने भी अगले दो दिन तक जिले में हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार से। तूफान रेमल का असर भागलपुर में भी देखने को मिल रहा है। जिले के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी बारिश हो रही है, तो वही सुबह से ही तेज ठंडी हवा चल रही है। तेज हवा चलने के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं चिलचिलाती धूप से भी लोगों ने राहत की सांस ली है। जिले में भीषण गर्मी पड़ रही थी, जिससे कि लोगों की परेशानी बढ़ गई थी, लेकिन चक्रवाती तूफान रेमल का असर भागलपुर में दिख रहा है और इससे मौसम जो है वो सुहाना हो गया है। यह बता दें कि साफ तौर पर जो चक्रवाती तूफान रेमल है, उसका असर भागलपुर में दिख रहा है और मौसम विभाग ने भी अगले दो दिनों तक जिले में हल्की बूंदाबांदी बारिश की संभावना जताई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। बेतिया में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवा के साथ यहां झमाझम बारिश हो रही है। नेपाल की तरह इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश होने से किसान भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। और बेतिया के अलावा पूर्णिया और सीमांचल में भी रेमल चक्रवाती तूफान का आंशिक असर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही आसमान में बादल हैं और इसके कारण मौसम सुहाना है। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता कुमार प्रवीण। पूर्णिया में भी रेमल तूफान का असर देखने लगा है और आप देख सकते हैं कि सुबह से हल्की मध्यम दर्जे की हवा चल रही है। और हमारे साथ यहाँ पूर्णिया के मौसम वैज्ञानिक हैं राकेश कुमार जी, आइए इनसे बात करते हैं। राकेश जी, रेमल का क्या असर है पूर्णिया और सीमांचल? हाँ, पूर्णिया और सीमांचल और कोसी में देखे, खास करके उत्तर बिहार और पूर्वी बिहार में देखे, तो रेमल रूप में आंशिक रूप से बादल और अगले 48 घंटे तक जो है बादल के साथ हल्की बूंदाबांदी। और मौसम केंद्र पटना के द्वारा जो फोरकास्ट दिया गया है, अगले 48 घंटे तक जो है सतही हवा के स्पीड जो है 20 से 30 किमी प्रति घंटा और हवा की झोंका गस्टिंग विंड जो है 40 किमी प्रति घंटा कहीं कहीं पे रह सकती है। और उसके साथ में हल्की बारिश बूंदाबांदी देखने को मिलेगा और मौसम जो है सुहाना रहेगा। और अधिकतम तापमान की देखे तो अधिकतम तापमान अभी 2 से 3 डिग्री की कमी देखने को मिलेगा। इस तेज हवा के साथ जो उमस वाली गर्मी थी उससे भी राहत देखने को मिलेगा। ये कब तक रहेगा? अगले 48 घंटे तक जो है इस तरह का मौसम अभी बरकरार रहेगा और बादल भी पूरी तरह से छाया रहेगा। तो रेमल का असर कुछ कुछ सीमांचल में भी दिखने लगा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, मध्यम गति की हवा भी चल रही है और मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि इस बीच में हल्की बूंदाबांदी से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश तक हो सकती है, लेकिन रेमल के कारण सीमांचल का मौसम काफी सुहावना हो गया है, जो अगले 3-4 दिनों तक रहने की संभावना है।